तस्वीरें आप देख पा रहे हैं भिवानी से, जहां पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुनील डूडीवाला ने शक्ति प्रदर्शन किया। इस मौके पर प्रभारी बिप्लव देव और सांसद धर्मवीर सिंह मौजूद रहे। यहां से उन्होंने अन्नदाता सम्मेलन के लिए वाहनों को हरी झंडी दिखाई। आपको बता दें कि सुनील डूडीवाला ने यहां पर भारी भीड़ जुटाकर सांसद धर्मवीर सिंह और प्रभारी बिप्लव देव का दिल जीत लिया और सभी तरफ से एक ही आवाज आने लगी कि अगला विधायक सुनील डूडीवाला यहां से होना चाहिए। सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, बिल्कुल यहां से ठीक 40 किलोमीटर दूर भिवानी जिले का हिस्सा है सिंगाणी। वहाँ ये अन्नदाता 2 सालों के बाद, मुझे याद है आज से 45 साल पहले, इसी प्रकार के वोट क्लब पर इसी दिन चरण सिंह के टाइम पर रैली हुई। आज दोबारा से वो किसानों का सम्मेलन इस हमारे जिले में है, क्योंकि किसान देश का अन्नदाता है। और आज की सरकार, केंद्र में माननीय मोदी जी हों, प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हों, जो आने वाले 5 साल हैं, आप देख लेना जो ग्रोथ किसान फूड सेक्टर में होगी वो शायद दुनिया में और किसी की नहीं हो। यानी ये हरियाणा और देश दुनिया का पेट भर सकता है। और ऐसे मौके पर मैं सुनील को ज्यादा बधाई देता हूँ। इस प्रकार युवा इन्होंने जोड़े हैं और जोड़ के आगे, क्योंकि बहुत स्कोप है हर सेक्टर में, बिजनेस में भी, सर्विस सेक्टर में भी, और जो महाराणा राजनीतिक क्षेत्र है उसमें। खबर भी है कि एमएलए का इलेक्शन, क्या बुरा ये कौन नहीं कर सकता? जो 25 साल का होगा कोई फॉर्म भर सकता है इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन के मुताबिक तो। और अब तो नए छोरों की ज्यादा जरूरत है, घर में हो, बाहर हो, राजनीतिक क्षेत्र में हो, जो नया तो प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़। और मैं मानता हूँ हरियाणा किसानों को प्रदेश है, उस प्रदेश में जिस तरीके से मनोहर लाल खट्टर जी ने काम किया किसानों के लिए जी, और किसान का प्यार जी, दोनों मिला के आज की रैली है। मुझे विश्वास है हरियाणा के हर किसान, हर घर के नौजवान मोदी जी के साथ है और देश के तरक्की के साथ है, हरियाणा के हरियाली के साथ है। और आज की ये रैली प्रमाणित करेगा जो हरियाणा में जिस तरीके से मनोहर लाल खट्टर जी ने किसानों के लिए देश में सबसे ज़्यादा MSP किसी प्रदेश में है किसानों के लिए, वो इसी प्रदेश में है। गन्ने किसानों का सबसे ज़्यादा रेट के ही दिया जाता है तो इसी प्रदेश में दिया जाता है, तो उसी कारण से आज जो वो रैली है वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे। और मैं मानता हूँ हरियाणा को एक संदेश आज रैली से जाएगा। राजस्थान में जिस तरीके से कमल खिला है और आपने आखिरी छोर लोहारू का जो राजस्थान से सटा है, तो हरियाणा में भी इस तरीके से अब कमल खिलेगा सर? तैयारियां लोहारू से होंगी, ऐलान बड़ा होगा आज? देखो ये आप लोगों को मालूम हो चुका है, जो देश मोदी जी के साथ जाना चाहते हैं, हम लोग कार्यकर्ता है और जनता सर्वोपरि है, तो इसलिए जनता सब कुछ जानती है। और मैं मानता हूँ हरियाणा का जागरूक जनता है और वो सही दिशा में 2014 से काम शुरू किया है, आप भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। सर, कुछ किसान भारतीय जनता पार्टी ने 10 की 10 लोकसभा सीटें अपने दम पर जीती थी, अब की बार गठबंधन का क्या रहने वाला है? 10 की 10 सीट भारतीय जनता पार्टी के कमल निशान पे लड़ेंगे और 10 की 10 सीट दोबारा रिपीट करेंगे। मोदी जी का जादू चलेगा, जो पहले जिस तरीके से जलवा था वही आपको उसके बाद भी संदेह है? तो मैं चुनाव से पहले, ये आपका भी और बीजेपी का भी, देखो मैं इस पक्ष में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। आज माननीय प्रभारी श्री विप्लव देव जी का यहाँ आगमन हुआ तो आपने देखा होगा कि दादरी हो चाहे भिवानी हो चाहे प्रदेश के कोने कोने से लोग यहाँ उनके स्वागत में, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के स्वागत में यहाँ आए हुए थे। और सारी टीम यहाँ से लगभग 2000 की संख्या में गाड़ियों में आप लोगों ने देखा होगा सिंगाणी के लिए जा चुकी है। कुछ गाड़ियां 10-20 हमारी रह रही हैं, वो जा रही है सिंगाणी। भिवानी दादरी से बहुत सारे टिकटार्थी हैं, लेकिन प्रभारी जी का यहां से आना और यहां से हरी झंडी दिखाना एक अच्छा संकेत सुनील डूडीवाला के लिए हो सकता है? मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करता, ना कोई राजनीतिक टिप्पणी करूंगा। आज हम लोग उनके मेजबान थे, उन्होंने यहाँ अपने चरण रखे, जिसका भिवानी और दादरी की जनता बेसब्री से उनका इंतजार कर रही थी। आपने देखा होगा सुबह से यहाँ लाइनें लगी हुई थी,
मेरे ख्याल 2000 गाड़ियों का काफिला छोटा नहीं होता जो आज वहाँ गई है। अभी आपको ट्रेलर याद दिख गया, पिक्चर सिंह डूडीवाला ने कमर कस ली है, 2024 चुनाव के लिए तैयार हैं वो। देखो मैं चुनावी बात कुछ नहीं करता, मैं सामाजिक व्यक्ति हूँ। अन्नदाता सम्मेलन के लिए भारी संख्या में यहाँ से कार्यकर्ता गए हैं, मेरे साथी प्रदेश के कोने कोने से मेरे भाई आए हुए थे। 2000 गाड़ियाँ मिनिमम यहाँ से कैमरे में कैद हुई आप लोगों के सबके, वो सारे व्यक्ति आज सिंघाणी पहुँचे हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ से किसानों को संबोधित करेंगे, मैं भी किसान पुत्र हूँ, मेरा नाम भी जमीन है। आज आपको वहाँ किसानों की जो घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी ने, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करी, आज उसका आपको प्रतिफल देखने को मिलेगा। लेकिन हरियाणा में कई बार किसान जो है बीजेपी से नाराज होते हुए नजर आ रहे हैं, और इस तरीके से जैसे अब अन्नदाता सम्मेलन किया जा रहा है, क्या लग रहा है कि इस तरीके के कार्यक्रम या रैलियां कर करके अन्नदाता, मैं किसी पार्टी पर टिप्पणी नहीं करूंगा। आज एक कार्यक्रम था अन्नदाता सम्मेलन, चौधरी चरण सिंह जी भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे, उनकी श्रद्धांजलि स्वरूप उनकी प्रेरणा के लिए किसान दिवस मनाया जाता है जो कल था। उस किसान दिवस के उपलक्ष्य में सभी अन्नदाता मेरे किसान भाई बहन वहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो कृपया करके राजनीतिक बात न की जाए तो बहुत अच्छा रहेगा सबके लिए। किसान पुत्र सुनील डूडीवाला की।